शाम के शाम डेली बारिश स्टार्ट हो जाता है। देखिए आज भी बारिश चालू होगी। बारिश में यही दिक्कत होता है कि जब भी गेट बंद करना हो चाहे खोलना हो तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि देखिए वहाँ पे बटन लगा हुआ है खोलने चाहे बंद करने के लिए, और वहाँ पे जब तक बंद होता है जब तक खुलता है उतना देर में भींग जाते हैं। और छाता भी नहीं लाए, ना ही रेनकोट लाए। मैं सोचा बारिश नहीं होगा और फिर आज स्टार्ट हो गया। कल भी इसी टाइम चालू हुआ था और आज भी इसी टाइम बारिश चालू हो गया। पूरा देखिए पूरा बादल लगा हुआ है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है। तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रेलवे शर्मा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और अभी ड्यूटी पर तैनात हैं। तो कल का वीडियो बनाया था तो उस वीडियो में कुछ भाई कमेंट किए थे मेडिकल के बारे में। मैं आप सबको बताया था कि मेरा मेडिकल दोबारा हुआ है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम के बारे में पूछे थे कि जैसे अभी ज्वाइनिंग किए हैं और मेरा मेडिकल A3 है और कुछ दिन के बाद कुछ प्रॉब्लम हो जाता है चाहे कुछ हो जाता है तो मेडिकल चाहे B1 चाहे B2 मिलने के बाद फिर रेलवे निकाल देगा कि कौन सा डिपार्टमेंट देगा, कौन सा पोस्ट देगा, थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो ठीक है दोस्तों, मैं आप सबको अच्छी तरह से बता देता हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? तो जितने भी भाई कमेंट करते हैं उसका कमेंट के ज़रिए बता देता हूँ, नहीं तो कुछ लंबा चौड़ा रहता है बताने का तो वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। तो आज भी वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताता हूँ, ठीक है? वीडियो में लास्ट तक कंटिन्यू बने रहिए। अभी एक गाड़ी जाने वाली है, गाड़ी जाने के बाद फिर आप सबसे मिलते हैं और अच्छी तरह से बता देते हैं, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अब आप सबको बताते हैं कि जो भी भाई का मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा है, जैसे A1 है चाहे A2 है चाहे A3 है, तो ट्रैकमैन पोस्ट के लिए B1 मेडिकल खोजता है। जितने भी ट्रैकमैन हो गया चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जितना भी पोस्ट हो गया उसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होना चाहिए तो वो ट्रैकमैन पोस्ट पर काम कर सकता है। अगर B1 से कम हो गया, चाहे B2 हो गया, चाहे C1 हो गया, चाहे C2 हो गया, तो उसको साफ सफाई में चाहे मेडिकल में चाहे IW में भेज दिया जाता है। तो ट्रैकमैन के लिए B1 होना चाहिए। B1 से अच्छा है चाहे A3 है चाहे A2 है चाहे A1 है, अगर ये सब मेडिकल है और आप पोस्ट ट्रैकमैन पोस्ट मिला है तो आप ट्रैकमैन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप गेट पे भी ड्यूटी कर सकते हैं। और बाकी दूसरा जैसे ब्लैक स्मिथ का हो गया, इसमें भी बहुत सारा पोस्ट है, ब्लैक स्मिथ का हो गया चाहे ये क्या बोलते हैं ट्रोली मैन हो गया, ये सब पोस्ट पे आप काम कर सकते हैं। अगर B1 से B2 है चाहे C1 है चाहे C2 है तो ट्रैकमैन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपको दूसरा पोस्ट दे दिया जाएगा। तो जो भी भाई अभी ट्रैकमैन पोस्ट पर आए हैं और जिनका मेडिकल A1 है चाहे A2 है चाहे A3 है, अगर कुछ दिन के बाद सर्विस के दौरान चाहे पूरा सर्विस में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, चाहे ड्यूटी के दौरान चोट लग जाता है चाहे आँख में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिर अगर उसका मेडिकल दोबारा होता है और मेडिकल में फिट नहीं बैठता है, चाहे A3 चाहे B1 में नहीं फिट बैठता है, अगर उसको B2 चाहे C1 चाहे C2 मेडिकल मिलता है तो उसको रेलवे निकालेगा नहीं, उसका डिपार्टमेंट चेंज कर देगा, चाहे IW में दे देगा, चाहे सफाई वाला में दे देगा, चाहे मेडिकल वाला में दे देगा, ये सब में भेज दिया जाता है। ये नहीं कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड ख़राब हो गया ड्यूटी के दौरान तो आपको रेलवे निकाल देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं यही बात बोला था और आज के वीडियो में भी यही बोल रहा हूँ। तो मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है और 7 साल में क्या क्या हुआ है चलिए ये भी मैं आप सबको बताता हूँ कि 7 साल में कितने ट्रैकमैन पोस्ट वाले का डिपार्टमेंट चेंज हुआ है मेडिकल के कारण। तो 2-3 साल का बात है दोस्तों, एक यहीं पे बाटी में काम हो रहा था, बिल्डिंग वाले काम कर रहे थे, तो बिल्डिंग का जो रहता है मटेरियल जहाँ बिल्डिंग होता है उसमें कुछ
लोहे का बुरादा रहता है, उसमें विस्फोटक सामान भी रहता है और वो बाल्टी में रहता है। तो वेल्डिंग हो रहा था और वेल्डिंग वाले वहाँ पे काम कर रहे थे, तो किसी कारण बस वो विस्फोट हो गया। तो वहाँ पे जितने भी आदमी थे आसपास में उनको तो चोट लगा ही, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नज़दीक था उसको बहुत बुरी तरह से वो जल गया था और उसका आँख में कुछ इन्फेक्शन हो गया। एक आँख में इन्फेक्शन हुआ तो वो तो ठीक हो गया, लेकिन एक आँख में उसको लगा वो जो बुरादा पूरा फट गया था, ब्लास्ट हो गया था, तो पूरा शरीर पे उसका लग गया था। तो एक आँख उसका ख़राब हो गया। तो एक आँख खराब हो जाने के बाद फिर उसका जब मेडिकल हुआ, जब मेडिकल के लिए गया तो फिर उसको ट्रैकमैन पोस्ट में वो एलिजिबल नहीं बैठा, उसका मेडिकल चेंज कर दिया गया क्योंकि उसका आँख खराब हो गया। ख़राब हो जाने के कारण फिर वो ट्रैक पे उनका काम रहता है और नाइट में भी काम रहता है, तो इसीलिए उनका मेडिकल चेंज कर दिया गया और A3 चाहे B1 उनको मेडिकल नहीं दिया गया। मेडिकल चेंज करने के बाद जैसे B1 चाहे C2 उनको मेडिकल दिया और IW में उनको पोस्टिंग कर दिया गया। ऐसा ही एक और हादसा हुआ था जब मेरा ज्वाइनिंग हुआ था, उसके 4-5 महीने के बाद एक हादसा और हुआ था। जैसे रेल अनलोडिंग हो रहा था, रेल अनलोडिंग होते समय एक जो एम्प्लॉय था उसका पैर पे रेल गिर गया था, तो पैर पूरा उसका टूट गया आधा से, फिर बाद में ठीक हो गया। ऐसा नहीं कि टूट गया तो फिर ख़त्म हो गया, फिर प्लास्टर उलास्तर हुआ, ऑपरेशन हुआ तो पैर ठीक हुआ, लेकिन चलने लायक अच्छी तरह से चल नहीं पा रहा था। तो उसका भी उस स्थिति में उसका भी कुछ दिन तक लाइट जॉब किया, लाइट जॉब करने के बाद फिर वो अच्छी तरह से चल नहीं पा रहा था, तो फिर उसका भी मेडिकल चेंज कर दिया गया और IW में दे दिया गया। तो इसी तरह से होता है दोस्तों, जैसे कोई भी एम्प्लॉय हो गया, ट्रैकमैन हो गया, चाहे दूसरा भी डिपार्टमेंट में जिसका मेडिकल अच्छा है और किसी कारण बस ड्यूटी के दौरान चोट लग गया, चाहे कुछ शरीर में हो गया, आँख में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसका मेडिकल चेंज कर दिया जाता है और दूसरा डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, ठीक है। और ऐसा दोस्तों 7 साल में 4-5 आदमी के साथ हुआ, 4-5 आदमी का डिपार्टमेंट नहीं पोस्ट चेंज हो गया। IW भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में उनको भेज दिया गया। कुछ भी जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो ट्रैकमैन पोस्ट पर है, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाता है ड्यूटी के दौरान, चाहे शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको IW में भेज दिया जाता है। तो IW में आप जैसे IW वाले का काम रहता है रूम का, पानी का सप्लाई छोड़ना, चाहे रूम में कुछ प्रॉब्लम हो गया, दरवाज़ा गेट वेट ये सब देखने का रहता है IW का, तो वही उसी में दे दिया गया। इतना दिन में 3-4 आदमी के साथ हुआ और उनका पोस्ट चेंज कर दिया गया, पोस्ट जैसे IW में दे दिया गया। तो ऐसा होता है, टेंशन नहीं लीजिए और ये नहीं मनाइए कि मेरा मेडिकल ख़राब हो जाए। जितना अच्छा आपका मेडिकल रहेगा उतना आगे चल के आपको फ़ायदा देने वाला है। जैसे GDC का एग्ज़ाम हो गया तो उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा खोजता है, A3 से अच्छा ही खोजता है, A3 होना ही होना है। अगर A3 से कम रहा, B1 हो गया चाहे B2 हो गया, तो आप GDC एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाइएगा। तो ऐसा मत सोचिए कि मेरा मेडिकल ख़राब हो जाए और मेरा पोस्ट चेंज हो जाए, ठीक है। आपका मेडिकल जितना अच्छा रहेगा उतना आगे बढ़ने का चांस बना रहेगा, अगर मेडिकल ख़राब रहा तो फिर आगे बढ़ने का चांस 0% हो जाएगा। तो ऐसा नहीं मनाइए कि मेरा मेडिकल ख़राब हो जाए और अनफिट हो जाए, ऐसा नहीं मनाने का। ट्रैकमैन का काम तो आप सब जानते ही हैं और मैं भी जानता हूं कि कितना हार्ड वर्क उनको करना पड़ता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, मेहनत करिए, जो मेहनत करता है उसी को सफलता मिलता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जो भी भाई मेडिकल के बारे में कमेंट किए थे कि मेरा मेडिकल अभी A3 है चाहे A2 है और सर्विस के बाद कुछ दिन के बाद मेरा मेडिकल ख़राब हो जाता है तो डिपार्टमेंट चेंज होगा कि नहीं होगा, तो इसके बारे में मैं अच्छी तरह से आप सबको समझा दिया और बता दिया। अगर कुछ शरीर में प्रॉब्लम हो जाएगा और कुछ चोट टूट लग गया शरीर में, चाहे आँख में चोट टूट लग गया, तो उस
वजह से आपका मेडिकल चेंज हो सकता है। ये नहीं मनाइए कि हमको चोट लग जाएगा और हम दूसरा डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। तो ऐसा कोई नहीं मनाता है, कोई नहीं सोचता है कि हमको चोट लग जाए चाहे हम अनफिट हो जाए। तो भगवान से यही मनाइए कि अच्छी तरह से ड्यूटी करे, ट्रैकमैन का रहे चाहे कुछ भी रहे, जो भी है वो अच्छा है। बस खाली मेहनत करते रहिए, मेहनत करिएगा तो एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगा ही। ठीक है, तो वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सब से मिलेंगे। जब तक के लिए बाय, और डेली की तरह आज भी सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।